हेलो दोस्तों, मैं हूं ब्रिजेश मौर्य। आपका हमारे यूट्यूब चैनल यस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि अगर आप एक किसान हैं और अपने धान को बेचना चाहते हैं सरकारी दामों पे, तो कैसे आप बेचेंगे अपने धान को। इसके लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। ये रजिस्ट्रेशन आप कैसे करेंगे, आज मैं आपको इसी के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने वेब ब्राउज़र को ओपन कर लेना है, और वेब ब्राउज़र को ओपन कर लेने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है fcs.up.nic। जैसे ही आप इसको टाइप करते हैं, इसको टाइप करने के बाद यहाँ पे आपको उत्तर प्रदेश खाद्य एवं रसद विभाग की आधिकारिक वेबसाइट आपको दिखाई देगी। आपको इस पर क्लिक करना है, और जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, इस पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देगा। इसमें आपको यहाँ पे आना है खरीद हेतु किसान पंजीकरण। आप जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं, इस पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि खरीद हेतु किसान पंजीकरण, आपको यहीं पे नीचे दिखाई देगा धान खरीद हेतु किसान पंजीकरण। यानी अगर आप धान अपने धान को बेचना चाहते हैं तो आप यहीं से पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और अगर आप अपने मक्का को बेचना चाहते हैं तो यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अगर आप अपने बाजरा को बेचना चाहते हैं तो आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो चलिए, हमें यहां से धान को बेचना है, इस वजह से हम यहां से धान खरीद हेतु किसान पंजीकरण पे क्लिक करेंगे। और जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं, इस पे क्लिक करने के बाद कुछ आपको इस तरह से इंटरफेस दिखाई देता है। इसमें आपको कई स्टेप्स दिखाई देते हैं, आपको इन्हीं सभी स्टेप्स का पालन करके अपने रजिस्ट्रेशन को करना होता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्टेप 1 से आप अपने नवीन पंजीकरण को कर सकते हैं, स्टेप 2 से अगर आपके पंजीकरण यानी आपके रजिस्ट्रेशन में कोई भी गलती होती है तो आप उसे संशोधन कर सकते हैं, स्टेप 3 से उसका एक प्रिंट आउट ले सकते हैं, और स्टेप 4 से उसे लॉक कर सकते हैं, स्टेप 5 से आप यहां से फाइनल प्रिंट आउट ले सकते हैं, और स्टेप 6 से भुगतान हेतु बैंक की स्थिति को चेक कर सकते हैं। तो चलिए, हम यहां से एक नवीन रजिस्ट्रेशन करेंगे। ये नवीन रजिस्ट्रेशन हम यहां पे कर सकते हैं, और नवीन रजिस्ट्रेशन वो भी किसान कर सकते हैं जो पिछली बार यहां पे अपने धान का रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। तो चलिए, हम यहां पे आपको उन्हीं किसान का रजिस्ट्रेशन करके दिखाते हैं जो पिछली बार धान बेचने के लिए इसी वेबसाइट पे अपना रजिस्ट्रेशन किए थे। तो इसके लिए आपको यहां से जब आप स्टेप 1 पे नवीन पंजीकरण पे आते हैं, तो यहां पे आपको कुछ यह महत्वपूर्ण जानकारी दिखाई देती है। आपको यहीं से नीचे आना है, और जैसे ही आप यहां से नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद आपको यहां से आगे बढ़े लिखा होगा, आपको इस पे क्लिक करना है। लेकिन आगे बढ़े पे क्लिक करने के पहले आप ये पूरी डिटेल्स को पूरी तरह से पढ़ लें, और पढ़ लेने के बाद आप जैसे ही आगे बढ़े पे क्लिक करते हैं, आगे बढ़े पे क्लिक करने के बाद यहां पे आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है, और एंटर करने के बाद आपको यहां पे जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है इसे फिल करेंगे, और फिल करने के बाद इसे एक्सेप्ट करेंगे, और एक्सेप्ट करने के बाद आपको आगे बढ़े पे क्लिक करना है। जैसे ही आप आगे बढ़े पे क्लिक करते हैं, आगे बढ़े पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें आप यहां पे देख सकते हैं कि स्टेप 2 पंजीकरण के संशोधन पे आप आ चुके हैं, और यहाँ पे आने के बाद ये किसान का नाम और इनके पिता का क्या नाम है, यहाँ पे इनका जो मोबाइल नंबर लिंक है आधार से, ये आपको दिखाई देगा। साथ ही साथ किसान की श्रेणी और इनका पता यहाँ पे पूरा दिखाई देता है। आपको यहाँ पे जो किसान का नाम है, इन्हीं की यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करनी है, और फिल करने के बाद आप यहाँ से जैसे ही इसे नीचे ड्रैग करते हैं, नीचे ड्रैग करने के बाद अगर आपने पिछली साल अपना रजिस्ट्रेशन किया था तो आपको यहाँ पे ये पूरी डिटेल्स आपको फील हुई दिखाई देगी। आप यहां से नीचे तक पूरा ड्रैग करके देख सकते हैं, और जैसे ही आप इसे नीचे ड्रैग करते हैं तो आपको ये पूरी डिटेल्स आपको फील हुई दिखाई देती है। अगर आप इसमें भी कोई संशोधन करना चाहते हैं तो आप यहां से संशोधित करें पे क्लिक करके इसे संशोधन कर सकते हैं। तो चलिए, हम यहां से सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ को फील कर लेते हैं, और डेट ऑफ बर्थ को फील करने के बाद ये जो कैप्चा कोड दिया गया है इसे आप यहां पे फील करेंगे, और फील करने के बाद आपको यहां से पंजीकरण करें पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहां पे एक मैसेज दिखाई देगा कि किसान का विवरण सफलतापूर्वक संशोधित हो गया है, आपको यहां से ओके पे क्लिक करना है। और जैसे ही आप इसे ओके पे क्लिक करते हैं, ओके पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें आप यहां पे आ चुके हैं स्टेप 2 पंजीकरण संशोधन पे। आप यहां पे इसका एक प्रिंट आउट ले सकते हैं, आप इसमें यह पूरी जानकारी अच्छे तरीके से चेक कर लें,
कि आपके द्वारा भरी गई सभी डिटेल्स सही तो हैं। अगर यहाँ पे आपके द्वारा भरी गई सभी डिटेल्स सही हैं तो आप यहाँ से आगे स्टेप पे आएंगे और अगला स्टेप आपका यहाँ पे होता है स्टेप 3 पंजीकरण ड्राफ्ट। आपको यहाँ पे पंजीकरण ड्राफ्ट पे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे आपको यहीं पे इसका ड्राफ्ट प्रिंटआउट मिल जाता है। अब आपको यहाँ से डायरेक्टली आपको आना है स्टेप 4 पंजीकरण लॉक पे। आप जैसे ही स्टेप 4 पंजीकरण लॉक पे क्लिक करते हैं, इस पे क्लिक करने के बाद फिर से आपको आधार नंबर एंटर करना है और ये कैप्चा कोड फिल करना है। इसके बाद यहाँ से इसको एक्सेप्ट करेंगे और आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे। आगे बढ़े पे क्लिक करने के बाद आप यहां से देख सकते हैं कि स्टेप 4 पंजीकरण लॉक पे आप आ चुके हैं और यहां पे आपको कुछ ये नोटिस दी गई हैं। आप इन नोटिस को पूरी तरह से पढ़ लें और पढ़ लेने के बाद यहां पे एक घोषणा पत्र दिया गया है, आप इसे भी पूरी तरह से पढ़ लें और इसके नीचे भी ड्रैग करके आप इसमें भरी गई जो भी आपकी डिटेल्स है इसे पूरी अच्छे तरीके से चेक कर लीजिएगा। और चेक कर लेने के बाद आपको यहीं से ऊपर आना है और ऊपर आने के बाद ये जो घोषणा पत्र दिया गया है इसको आप एक्सेप्ट करेंगे और एक्सेप्ट करे पे क्लिक करने के बाद आप यहां से लॉक करे पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लॉक करे पे क्लिक करते हैं, लॉक करे पे क्लिक करने के बाद आपके द्वारा दिया गया यहां पे जो ऑलरेडी मोबाइल नंबर है जो आपके आधार कार्ड से लिंक है उसी मोबाइल नंबर पर और यहां पे आपके मोबाइल नंबर के लास्ट 3 डिजिट भी दिखाई देंगे। आपको इसी मोबाइल नंबर पे एक OTP गया और यहां से उसी OTP को फिल करना है और फिल करने के बाद आपको यहां से वेरीफाई पे क्लिक करना है। अगर आपकी मोबाइल नंबर पे OTP नहीं जाता है तो आप यहां से रीसेंड भी कर सकते हैं, लेकिन ये टाइम आउट 5 मिनट का होता है। तो आप यहां से अपना OTP फिल करेंगे और OTP फिल करने के बाद वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहां से वेरीफाई पे क्लिक कर देते हैं, वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद आप यहां पे देख सकते हैं किसान का विवरण सफलतापूर्वक लॉक हो गया है। आपको यहां से ओके पे क्लिक करना है और जैसे ही आप यहां से ओके पे क्लिक करते हैं, ओके पे क्लिक करने के बाद आपको यहां पे ये पंजीकरण लॉक हो चुका है और लॉक होने के बाद किसान पंजीकरण ID भी आपको दिखाई देगी और नीचे आपकी ये पूरी डिटेल्स दी गई है, आप इसे चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विक्रय हेतु लंबित दिखाई दे रहा है जिसमें खतौनी का नाम मिसमैच लंबित है SDM के द्वारा और भूमि सत्यापन लंबित है, PFMS बैंक खाता लंबित है और हिस्सेदारी भी SDM के द्वारा लंबित है। आप इसे यहीं से इसका प्रिंटआउट ले सकते हैं। आप चाहे तो यहां से स्टेप 4 के अलावा आप स्टेप 5 से भी इसका पंजीकरण का प्रिंटआउट ले सकते हैं। आपको अभी यहाँ पे स्टेप 6 पे जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि स्टेप 6 पे आप तभी जाएंगे जब यहाँ पे आपका ये दिया गया जो खतौनी का नाम मिसमैच दिखा रहा है जब ये पूरी तरह से सही हो जाएगा तब आपको यहाँ पे स्टेप 6 भुगतान हेतु बैंक की स्थिति पे जा करके आप अपने बैंक की स्थिति को चेक कर सकते हैं। अभी आप यहाँ पे यहीं तक स्टेप 4 से पंजीकरण लॉक करके इसका प्रिंटआउट अपने पास जरूर रख ले। आप यहाँ से स्टेप 5 से भी इसका पंजीकरण का प्रिंटआउट ले सकते हैं। स्टेप 5 से अगर आप अपने पंजीकरण का फाइनल प्रिंटआउट लेना चाहते हैं तो आप यहां से स्टेप 5 पे क्लिक करेंगे और जैसे ही आप स्टेप 5 पे क्लिक करते हैं फिर से आपको आधार नंबर एंटर करना है और कैप्चा कोड एंटर करके आगे बढ़े पे क्लिक करना है। और जैसे ही आप इसे आगे बढ़े पे क्लिक करते हैं, आगे बढ़े पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टेप 5 से पंजीकरण का फाइनल प्रिंटआउट आ चुका है। आप इसे यहीं से इसका प्रिंटआउट ले ले और ये जो लंबित दिखाई दे रहा है ये किस तरह से वेरीफाई होगा इसके लिए हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे कि यह जो आपका लंबित दिखाई दे रहा है ये कैसे वेरीफाई होगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।